प्रमोट करो। हम हमारा हक मांगते हैं, किसी से भीख मांगते। केवल यूनिवर्सिटी केवल खुलने से यूनिवर्सिटी नहीं बनती, अगर छात्र रहेंगे तभी यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी बनेगी। ये केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति ने बयान दिया है, और एक तरफ ये हमारे यहाँ कुलपति है जो हमारी बात ही नहीं सुन रहे। सर, बड़ा दर्द यही है कि जो MPhil डिग्री हम 4 साल से करने के प्रयास कर रहे हैं वो भारत सरकार ने बंद कर दी, वो हमारे किसी काम नहीं आने वाली है और उसके एफर्ट हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और सर ऐसा ही तो ना, जो ऐसा सोच रही है यूनिवर्सिटी कि जो जिनका पता ही नहीं होता कौन स्टूडेंट क्या है उनके हित के बारे में तो सोच रही यूनिवर्सिटी, और जो हमने 4 साल खराब किया उनके हित का कोई मतलब ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है। अरे ये नहीं है कि सर हम कोई गलत मांग कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है सर, हमें हाई एजुकेटेड है, हमें भी पता है कि हम क्या मांग रहे हैं। हम कोई छोटे बच्चे तो है नहीं कि हम कोई नाजायज मांग करेंगे, हमें पता है कि हमारी कौन सी मांग पूरी हो सकती है नहीं हो सकती, और वो अदर यूनिवर्सिटियों में हुई है तो इस यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं हो सकती। बार बार समाचार पत्रों में और परपत्रों में उल्लेख किया जाता है कि शिक्षा को उजागर कैसे किया जाए, शिक्षा का मंदिर स्थापित किया जाए, शिक्षा की जो कड़ी है वो इस प्रकार जोड़ी जाए कि भारत में वंचित से वंचित क्षेत्र भी शिक्षा से जुड़ा हो। नमस्कार, मैं सुदेश और आप देख रहे हैं इस वक्त झलको इंडिया। झलको इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। आमरण अनशन का जब भी भारत में नाम आता है तो कई आंदोलन हमारे दिलो दिमाग में छा जाते हैं जिन्होंने अपनी छाप और छवि भारत के सुनहरे अक्षरों पर अंकित किया है। वैसे ही आज मैं मामला जो लेके आया हूँ, आज मामला MGSU यूनिवर्सिटी है वहाँ से जुड़ा हुआ है। इन सब का आरोप है कि ये आमरण अनशन पे बैठे थे, 3 दिनों से धरने पर बैठे थे, धरने के अंतर्गत ही इनको बाथरूम का पानी पीने पर मजबूर किया गया और कहा गया कि आपको पानी का जो सप्लाई है वो चैम्बर बंद कर दिया जाएगा। छोटी सी बात में आप समझाने का प्रयास करें कि विशेष आपकी एक नंबर मांग क्या है। सर एक नंबर मांग यही है, जिन MPhil विद्यार्थियों ने 2018 में MP सीट में एडमिशन लिया है और जिनके MPhil कंप्लीट नहीं कर पाए, दूसरी एडमिशन नहीं ले पाए, उनके छात्र हितों में ध्यान रखते हुए, उनके हितों का ध्यान में रखते हुए हमें सीधा PhD में प्रमोट किया जाए, क्योंकि हम लोग किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते। लेकिन ऐसा क्यों किया जाए? ऐसा इसलिए किया जाए क्योंकि ये जो अत्याचार हुआ, जो अन्याय हुआ ना, 4 साल बर्बाद हुए ना, जो 18 महीने डिग्री होती है वो यूनिवर्सिटी की वजह से 4 साल खींची है, ना कि स्टूडेंट की वजह से। अगर यूनिवर्सिटी की वजह से करती है तो ये फर्ज बनता है कि छात्र हितों में ध्यान रखते हुए किसी प्रकार के ऑर्डिनेंस अपनाएं, जो कि अदर यूनिवर्सिटीज अपना रही है, राजस्थान के अदर स्टेट यूनिवर्सिटी अपना रही है, वो ऑर्डिनेंस आप फॉलो कीजिए। कैसे किया हमें नहीं पता है। कोरोना काल से जोड़कर इसे देख सकते हैं, कोरोना काल का ये है सर, कोरोना काल में जब बाकी एग्जाम हो सकते पूरे राजस्थान में, तो ये MPhil वालों के 50-55 बंदों का ऐसा कौन सा कोरोना आ गया सर जो ऑनलाइन एग्जाम भी नहीं ले पाए और यहाँ पे भी नहीं बुलाया। उन्होंने कोर्स वर्क का लंबा खींचा, कोर्स वर्क कंप्लीट हो गया, उसके बाद कोरोना के दरमियान सेकंड वेव के बीच में और फर्स्ट के बीच में 5-6 महीने का अंतराल आया था, जिसमें गवर्नमेंट ने कोशिश की थी कि ऑलमोस्ट सभी एग्जाम वो करवा दें और करवाया भी है। तो MPhil के 50 स्टूडेंट को ऐसा कौन सा कोरोना आ जाता है कि उनको एग्जाम नहीं करवाया कोर्स वर्क का, अगर वो उस टाइम करवा लेते। ये तो वही बात हो गई ना, जो यूक्रेन में जो खारकीव में जो बच्चे फंसे थे, खारकीव से उनको लाया गया राजस्थान में, राजस्थान के बच्चों की मैं बात करूंगा, तो राजस्थान सरकार ने एक कहीं ना कहीं एक हिंट जारी किया है कि वो पैनिक में नहीं आए। जो खारकीव में जो बच्चे हैं, जो 6th ईयर में थे, 5th में थे 4th में थे, वो पैनिक में नहीं आए। आपकी शिक्षा की सुदृढ़ बहाली के लिए राजस्थान सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। मतलब आपको उस शिक्षा से जोड़कर देखा जाए कि अब डिग्री कैसे होगी। यूक्रेन तो एक तरह से बर्बाद हो चुका है, तबाह हो चुका है, तो वहां पर पॉसिबल ही नहीं है कि वापस उसी जगह से उनको उठाया जाए। पैसा बर्बाद हो चुका है, तो जब राजस्थान सरकार विदेश में यूक्रेन के खारकीव के बच्चों का भविष्य तय कर सकती है, तो फिर आप इस मिट्टी से जुड़े हुए हैं तो आपका फिर क्यों नहीं हो सकता। सर यही तो हम जवाब मांग रहे हैं। हाँ। 3 दिन से धरने पर इसीलिए बैठे हैं कि सर हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है, हमने ऐसा कौन सा पाप किया था। पढ़ाई तो एजुकेशन मांग रहे हैं सर, हम उच्च स्तर की जो शिक्षा है वो मांग रहे हैं कि हमें आगे पढ़ना है, हम इसके भरोसे नहीं रह सकते जो MPhil डिग्री गवर्नमेंट ने बंद कर दी उसके भरोसे नहीं, हमें आगे पढ़ने का अवसर दे, हम आगे पढ़ना चाहते हैं, बस यही डिमांड है। जब यूक्रेन के खारकीव नहीं सर, कीव नहीं सर, यूक्रेन में जितने भी राजस्थान के नहीं ऑलमोस्ट पूरे इंडिया के जितने स्टूडेंट थे सब लोगों गवर्नमेंट और ज़्यादातर स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर उनको वहाँ से कला है, और केवल पढ़ाई को ध्यान रखते हैं, उनकी बर्बादी नहीं हो वो सरकार खोज भी रही है। तो भाई यहाँ के हम तो राजस्थान के हैं। महिला दिवस पर झूठे स्टेटस के माध्यम से हम समाज में एक संदेश देते हैं कि हम महिला सशक्तिकरण का कितना सम्मान करते हैं, लेकिन जब उन्हीं महिलाओं को बाथरूम का पानी पीने पर मजबूर कर दिया जाए तो हम सोच सकते हैं कि उनकी सोच किस कदर है जो गिर चुकी है। कल महिला दिवस था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, उस पर
आपका ये आरोप है कि आपको बाथरूम का पानी पीने पर मजबूर किया गया। जी सर, ये सही बात है। मेरे भाई और हम रात को रुके हुए थे, रात को 12 बजे पानी बंद कर दिया गया और ये कहा गया कि आप बाथरूम में जो पानी आ रहा है वो पी लीजिए। तो क्या सिर्फ यही सम्मान है महिलाओं का? एक तरफ तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और दूसरी तरफ हम सभी बहनें नीचे मंच पे बैठी थी, हमसे किसी महिला ने, किसी महिला लेक्चरर ने हमसे आके ये बात तक नहीं की कि बेटा आप यहाँ क्यों बैठे हो, आपकी क्या समस्या है, क्या इनकी इतनी भावनात्मक हमसे जुड़ी हुई रुचि नहीं है कि हमसे आके बात कर सके कि हम किस तरह बैठे हैं, हम क्यों बैठे हैं। मेरे 2 साल का छोटा बच्चा है, एक 10 साल की बच्ची है, मैं उसको घर पे छोड़ के यहाँ 3 दिन से बैठी हूँ, क्यों बैठी हूँ सर? मैं आज, मुझे अपना हक चाहिए, तभी तो मैं बैठी हूँ। हमारे भारत में एक संस्कार दिया गया है और भारतीय लोगों में ये संस्कार है कि अगर गेट के बाहर अगर कोई कुत्ता बैठा होता है तभी हम उसको बाहर देखने जाते हैं कि अभी वो वहीं है या चला गया। अगर वहीं होता है तो उसको रोटी का टुकड़ा फेंका जाता है। ये दिल है, ये सम्मान है हमारे भारतीयों में। लेकिन इसी भारत में जब महिलाओं के सम्मान में अगर ऐसी तस्वीर निकल के आती है तो कहीं ना कहीं संकुचित सोच का वर्णन होता हुआ दिखाई दे रहा है। कल का वातावरण पूरा हमें बताइए। सर, कल का वातावरण वही था, हम तो धरने पे बैठे थे। एक यहाँ की टॉपर थी जिन्हें कल बीसी बनाया गया था, तो हम मानद कुलपति बनाया गया था, तो हमें उम्मीद थी कि आज चलो ये महिला दिवस है तो ये महिलाओं के हित में कुछ करेंगे। लेकिन सर, हमारे कुछ नहीं सोचा गया, हमारे बारे में तो पूछा, जैसे आपने अभी क्या कहा कि कुत्ता है, हम देखने जाते हैं। सर, वो तो हमें देखने भी नहीं आते और जब निकल के जाते हैं तो ऐसे गुजर के जाते हैं कि ऐसे देखते भी नहीं है हमारी तरफ कि ये बैठी हुई है महिलाएं, इनके साथ बच्चे भी बैठे हुए हैं। नहीं सर, कोई मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय ने ये काम किया है, अभी उनको प्रमोट किया है, जिनकी एमफिल हमारे से बाद में शुरू हुई है और उन्हें अभी प्रमोट कर दिया गया है। हालांकि वहाँ पे रेट का एंट्रेंस टेस्ट निकल चुका है, फिर भी पिछले वालों को प्रमोट किया है। नाजायज मांग कर रहे हैं, रूल के अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं। हम कोई 5 दसवीं फर्स्ट ईयर के सेकंड ईयर के बच्चे नहीं है। पीएचडी में वाकई हमने इंटरेस्ट दिया था 2018 में, तो हम क्वालिफाई होके ही आए हैं। ऐसे नहीं हम सीधा एडमिशन मांग रहे हैं, तो इनको पता है, सब क्वालिफाई एग्जाम दे के आए हैं, नेट जेआरएफ किया है, फिर भी हमें अवैधता नहीं दी जा रही है। अब दूसरा रास्ता भी नहीं है हमारे पास, दूसरी यूनिवर्सिटी हमें एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है। हमारे इस यूनिवर्सिटी में केवल एक यूनिवर्सिटी है जिसमें हमें एडमिशन मिल सकता है, और अगर 30 जून से पहले हमें एडमिशन नहीं मिलता है तो हम सबकी फेलोशिप भी लैप्स हो जाएगी। सर, आपने कहा कि दूसरी यूनिवर्सिटी में ये काम कर दिया जा चुका है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, तो वहाँ के जो शिक्षा मंत्री है वो अलग हैं या फिर यही लगते हैं? एक स्टेट है, दो बातें हो रही है, यही लगते हैं, यही है सारा, मतलब सारा सिस्टम है, सिस्टम तो एक ध्रुवीकरणी है। बिल्कुल, वो तो सर एक की बात नहीं है, दिल्ली विश्वविद्यालय में भी एमफिल इसीलिए करवाई जाती है कि आपको पीएचडी में एडमिशन दिया जाएगा। भाई मान लीजिए, सपोज दैट मान लेते हैं कि आपकी मांग है जो नहीं मानी जाएगी, लेकिन तब माने ना, तब उनका उस यूनिवर्सिटी से संबंधित कोई शिक्षा मंत्री अलग हो, अलग हो तो जबकि यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें कहा जाता है कि हम दूसरी यूनिवर्सिटी की कोई भी ऑर्डिनेंस या कोई भी राज्यपाल के द्वारा कोई भी लिखा हुआ प्रपत्र को हम नहीं मानेंगे। तानाशाही तरीके से हमें ये जवाब दिया गया। नहीं, मैं पूरा होमवर्क करके आया हूँ, क्योंकि अधूरा होमवर्क मैं कभी करता नहीं हूँ। तो और कोई टिप्पणी करना चाहता है? सर, कि कल जो मानद कुलपति महोदय बनाया गया था एक लड़की को यहाँ पे, जो टॉपर थी यहाँ की, उनके नाम से ही आदेश जारी करवाया गया कि हमने आपकी अभ्यर्थना राज्यपाल महोदय को भेज दी है, और उसी दिन यूनिवर्सिटी न्यूज वालों को ये बाइट देती है कि अगर हमने इनकी मांगे मांग ली तो जो बाहर वाले बच्चे हैं यूनिवर्सिटी के बाहर के, जिनका आगे एमपीसीटी में सिलेक्शन होना है, वो धरना करेंगे। अच्छा। और इसको एक धरना कल्चर टर्म दिया जा रहा है। धरना कल्चर, हम आज आप और हम यहाँ खड़े इस धरने की वजह से खड़े हैं, हमारा देश आजाद इस धरने की वजह से हुआ है, और इसको आप धरना कल्चर कह रहे हो? रास्ता अगर निकालना चाहे ना, तो विसी महोदय जी, राज्यपाल जी, किसी के माध्यम से ये जो भी नॉर्म्स होते हैं ना, उसके थ्रू ये नियम निकाल सकते हैं, और हम केवल 50 से 55 बंदे हैं, उनको ये प्रमोट कर सकते हैं, और प्रमोट ही करना पड़ेगा, वरना हम सब लोग कल से सभी भाई बहन हम लोग आमरण अनशन पर बैठेंगे। आज इनको मौका दे रहे हैं, मात्र आज चेतावनी है ये यूनिवर्सिटी को, आज चेतावनी दे रहे हैं सब लोग मिलकर। आज 2 भाई हमारे अनशन पर बैठे हैं, उनका हम लोग ख्याल भी रखना है, उनको हमें ध्यान भी रखना है। अगर कल तक का मौका है, अगर आज शाम तक या कल तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो सभी कल 9 बजे बाद सभी लोग आमरण अनशन पर बैठेंगे, और फिर देखते हैं यूनिवर्सिटी क्या एक्शन लेती है। सर, ये जब 2018 में एमपीसीटी कंडक्ट हुई थी, तो 18 महीने का कोर्स है, तो एक्चुअली 2020 में हो जाना चाहिए। जेआरएफ जो है 2020 के अंदर अगर पूरी होती है, तो उनको 1 साल का गैप मिलता है कि आप जाके पीएचडी में रजिस्टर्ड हो जाओ, जो कि अब 1 साल 3 जून को पूरा होने वाला है। अगर ये लोग रजिस्टर्ड नहीं होते तो इनको 15 लाख रुपए का लॉस है सर, तो इनको शिक्षा का ही नहीं पर कैंडिडेट, तो आर्थिक नुकसान भी है सर। बिल्कुल, तो ये इनकी आखिरी कमेंट थी, इस पर आप विचार जरूर कीजिए।